बाकी इस तरफ की आगे की तरफ हमारे अपना एक सेटिंग रूम कह लें आप, या एक ऐसी बैठक के लिए, और के लिए तो और वाइड एंगल करना पड़ेगा सही से इसको। अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम 3 दिन बाद फार्म की अपडेट देने जा रहे हैं। जैन भाई के हवाले से जो है ना वो यही था, आपको लास्ट वीडियो में मैंने कमेंट में पिन कर दिया था, उसमें जिक्र नहीं हो पाया था। हम तो जा रहे थे उनके साथ मिलने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो है वो इंतकाल उस टाइम हो चुका था। अगले दिन हम फार्म आए थे, उसके बाद यहाँ से हम मैयत में गए थे, उनकी तदफीन हो गई, और उसके अगले दिन भी फार्म आए, लेकिन थोड़ा सा एक डिस्टर्ब थे मेंटली तौर पे, और एक फील आ रहा था कि यार देखो उनसे एक फार्म की ही उससे ताल्लुक था। तो हमने सोचा कि यार अपने तौर पे एक दिन ऐसा और कुछ गुजारे कि जिसमें हम उनकी यादों में एक तरीके से जो है ना वो हो जाए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेरा सबसे ज़्यादा उनके हवाले से बातचीत चल रही थी उसामा से, मुजम्मिल से। उसामा भाई का काफ़ी ताल्लुक था, वो भी काफ़ी जो है ना डिसहार्ड है मैं समझता हूँ, और डिसहार्ड क्या भी मतलब उदास है आप वही कहेंगे कि क्योंकि बहुत ज़्यादा जगहों पे ना उनके साथ खेलना था। हम तो वीडियोस में दिखा देते ना अपना ताल्लुक, वो जाहिर है वो वीडियोस के अलावा में उनसे जो उनका ताल्लुक था वो उनका दिखा नहीं, लेकिन हर वक्त फ़ोन आ रहा है वानी यार कैसा बंदा था वो ऐसे ऐसे। और खैर मुजम्मिल का कल रात में काफ़ी देर तक जैन भाई के हवाले से जिक्र रहा, तो बड़ा एक अच्छे इंसान थे यार वो, अल्लाह पाक उनकी कामिल मगफिरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मैं कल की वीडियो बनाता तो उसमें भी यही शायद कहता आप लोगों से, और कहता कि उनके इशारे सवाब के लिए जो हसब तौफीक है वह आप पढ़ के उनको क्या कहते हैं शाले सवाब करते रहे। हम भी जब भी जिक्र हो रहा है दुआ कर रहे हैं अल्लाह पाक, बिल्कुल उन पर एक दिल से इत्मीनान आता है कि अल्लाह पाक ने जो कि अच्छा किया, क्योंकि अब तो वो तो चले गए, अब हमें फिक्र करने की ज़रूरत है ना आखिरत की कि भाई अब हमारी बारी है। तो यही है, मैं अपने तौर पे भी ये पैगाम दूंगा अपने लिए भी कि भाई जो दुनिया से चला गया उसकी ये एक मिस कॉल है अल्लाह की तरफ से कि भाई अब तुम्हारी बारी भी बस है। तो बस हमें भी चाहिए कि अपनी तैयारी को मुकम्मल रखें और दुनिया आखिरत दोनों में, ये नहीं होता कि सिर्फ दुनिया का मतलब दीन का ही सिर्फ बंदा लेके चले, दुनिया में भी जो है ना आपने अच्छे तरीके से रहना है, उसी से ही आप जन्नत कमाते हैं। बहरहाल आज इसी के हवाले से हम थोड़ा सा रहेंगे, और पीछे जो है वो अहमद भाई और अली, अरे अहमद भाई ने आज जो हमारे साथ प्रैंक किया है ना बस छोड़े, मैं क्या बताऊँ अहमद भाई आपने जो प्रैंक किया अच्छा नहीं किया, मैं वीडियो में बता रहा हूँ। हाँ वैसे तो हर दफ़ा एक अच्छा होता है मिठाई विठाई लेकर आते हैं, लेकिन जो है ना इस दफ़ा उन्होंने प्रैंक किया है। बहरहाल भाई आज हम जो है ना फार्म की अपडेट देंगे, माल पीछे आ जाओ, माल आप देख सकते हैं अंदर की तरफ हुआ हुआ है सारा, क्योंकि हवा जो है ना वो चल रही है और थोड़ी थोड़ी फुहार हो रही है, खुला हुआ था लेकिन शाम का टाइम होते ही, कल भी मैंने यही हुआ था मगरिब से पहले इनको अंदर करवा के चला गया था। अभी ये है कि जो है ना थे बाहर चारे के बाद, और फिर शाम में नसर भाई ने अपने हिसाब से देखा कि भाई हवा ठंडी चली, क्योंकि जानवर के ये मौसम मैं आपको बता दूं इंसानों के लिए तो बेहतरीन चल रहा है लेकिन जानवरों के लिए बड़ा ख़राब चल रहा है, और नज़ला वगैरह और जो है ना अंदर से जिसम जो है ना जानवर का बुखार में भी जानवर आने लग जाता है। तो ये थोड़ा सा एक है, हम कहवे वगैरह का अहतमाम रख रहे हैं या दूसरी चीज़ों का, बाकी अभी कुछ हाँ एक सीन होना है इंशाल्लाह, लाइट वापस से वो लाइट्स ख़राब हो गई थी कुछ तो वो लगनी है और देखते हैं। और हाँ चेकिंग हो रही है, चेक हो रहा है, चलो चेक, एक बछड़ी है इरफान भाई वाली उसको चला चेक कर रहे, और उस पर ये कि उसकी प्रेगनेंसी तो हो तो गई थी, अब ये देखना था कि भाई कितने टाइम की है, ये क्या मामला था, ये सेट चल रही है। तो अहमद आ गया है, वो ज़रा मैं दिखा तो नहीं सकूँगा सही से, लेकिन आपको अपडेट देते हैं थोड़ी देर में। दूसरा आज करते हैं ऐसा शौक करेंगे कुछ जानवरों को खुलवा के, और उम्मीद है इंशाल्लाह पसंद आएगी। थोड़ा सा ज़्यादा लंबा इंट्रो हो गया माधव, उस चीज़ के लिए बाकी जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा दोस्तों भाई अनफॉर्चुनेटली जो है ना ये खाली निकली है, और अहमद ने जो है वो चेक कर लिया, और अहमद बोल रहा है कि 100% ये खाली है, और हम 3 महीने 4 महीने की इसको गबन समझ रहे हैं, क्योंकि इसकी सेहत देख के जो है ना वो एक अंदाज़ा हो रहा था कि यार ये अब माशाल्लाह से, क्योंकि अगर याद हुई प्रिंस की माँ है और समीर भाई हम तो बोल रहे हैं कि सेहत अच्छी पकड़ ली है, और क्योंकि ठहरने के बाद ना जानवर की सेहत अच्छी होना शुरू हो जाती है, जैसे ये भी है। तो
अब ये है सरप्राइजिंग हो गए ये तो थोड़ा सा। बाकी आज शामिर ब्राउनी को भी चेक करवा रहा है और बोल रहा है कि यार मुझे शामिर को शक हो रहा है कि जो है ना ये प्रेग्नेंट है। आज 2 साल कंप्लीट हुए शायद खुशी खुशी आने का सुनने को मिल। हाँ भाई ब्राउनी को हमारे पास आए हुए 2 साल कंप्लीट हो गए आज की तारीख में 10 अगस्त 2021 में ये आई थी। अहमद जो है ना इसको चेक कर रहा है, खाली लग रही है, पहले से ही खाली लग रही है, लेकिन ये इसको ना जज करना मुश्किल है। मैं बता दूं अहमद भाई, इसलिए मैंने कहा एक दफा चेक ही हो जाए तो अच्छा है, देख लेते हैं भाई। अहमद बोल रहा है शामिर मुझे क्या बोल रहा है, मेरा रोज का काम है। क्योंकि असल में वो सेहत इसने भी माशाल्लाह अच्छी बना ली, तो शामिर का कहना है कि मुझे फील आ रहा है कि जैसे ये भी जो है ना वो प्रेगनेंसी इसकी हो गई होगी, हो सकता है पहले चेक करने में शायद देखते हैं क्या होता है मामला। तो अब इसको हम्माद भाई यकीनन वीडियो अगर देख रहे होंगे, मैं उसको उनको बोलूंगा तो वैसे भी कि जो है ना भाई इसको आके वापस से इंसेमिनेट करें, बल्कि इरफान भाई से बोलेंगे कि मैं तो कह रहा हूँ इरफान भाई को कि है ना इसकी सींगे मींगे बनवाते हैं और जो है ना इसको सही करते हैं, क्योंकि एज में ही पता नहीं मेरा हमें छोटी ही है, क्योंकि इस ईद अगर अभी इतनी तैयार है तो ईद पे तो और अच्छी तैयार हो जाएगी। तो अगर भाई इसको वो तो नहीं है, नाजायज तो नहीं है, अगर खाली हो तो इसको जो है ना। हाँ खाली है, चले अल्लाह खैर करे भाई। हम्माद भाई को कहेंगे कि दोनों के लिए, इसके लिए तो शामिर चाह रहा था असल में कि जो डायरेक्ट उसी बछड़े से कराए, बट जो सी वो डिज़ायर है उस हिसाब से भी फिलहाल बछड़ा जो है ना अवेलेबल नहीं है, तो देखते हैं इंशाल्लाह अगर जो मिलता है इसके फार्म पे हमारे फार्म पे जो भी हुआ और किसी ने एतराज़ नहीं किया तो फिर इसको करवाते हैं। बहरहाल आज एक और भी आप लोगों को भाई क्या हुआ अली भाई, क्या कंपेयर किस चीज को कर रहे हो? कंपेयर नहीं करो देखो बुरी बात। अच्छा वीडियो में ही सही बात, अपने उससे कर रहे। असल में इस पर माइंड बंद तो रहा है, अली भाई ने जो है ना ऑफर भी दी थी इरफान भाई को देखते। बाकी हमारे यही हशाने हसन और स्मोर माशाल्लाह जो है ना ये भी अच्छे उसमें चलने लगे, फजल से लगी गरम से कद काटी माशाल्लाह। बहुत छोटे छोटे से बच्चे लिए थे मैंने कश्मीर से वेश भाई के साथ जाके, और माशाल्लाह अच्छे माशाल्लाह जो है ना उसमें चलने ग्रोथ पे। बाकी भाई न्यू एंट्री दिखा देता हूँ, ये वाली तो मैंने थोड़े दिन पहले भी दिखाई थी, इसका नाम क्वीन है जो है ना, ये हमारे लारे के जो है ना दोस्त हैं समद और जुनेद और एक और लड़का है मेरे नाम ही बता, ये उन्होंने जो है ना खरीदी है, देखें इंशाल्लाह। और ये हमारी आ गई होरी और डोनट। डोनट क्यों तड़ा पड़ा है? क्योंकि डोनट का जो है ना जोड़ीदार वहां पे जो है ना वो उसके साथ देख रहा है अभी। और दूसरा भाई आपको एक ये चीज दिखानी इंशाल्लाह भी दिखाता हूँ, क्योंकि आज इसके रिवील करने का दिन आ गया है। और ये जो है वो हमारा जहरी है, और ये हमारी जो बच्ची अल्लाह नजर उससे बचाए, डे बाई डे इसकी लगी करम से नस्ल देखे, नस्ल जो चीज होती है ना अब वो इस हिसाब से माशाल्लाह ग्रो करती है, अल्लाह नजर उससे बचाए। बाकी इस 17 तारीख को इसको हमारे पास पैदा हुए हुए 7 महीने कम्प्लीट इंशाल्लाह हो जाएंगे। और बाकी इनके लिए दोनों के लिए अब सेपरेट कर दिया, दुआ का कहना था, इनका टाइम थोड़ा सा भी है मेरे ख्याल में महीना शायद बाकी है, और इनके हवाले से भी है कि आपको दुआओं के लिए कहना है इंशाल्लाह, ये भी कुछ टाइम में ही इंशाल्लाह बच्चा इंशाल्लाह दे दें, आप लोग दुआ करें खैर वाफियत के साथ हो जाए माशाल्लाह। कैडबरी गुलाब जामुन और मलका हमारी पीछे, हमारी जैस्मीन और हुस्ने आरा बुलबुली और टैग 13 नूरी मुन्नी और वातो गुलाबो वगैरह। ब्रीडिंग काउस के हवाले से एक सेपरेट वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा, जो आप लोग क्या एक आध कमेंट ही आता है वो एक बंदे का इंशाल्लाह एक उसके लिए जरूर बनाएंगे। बाकी हमारी क्वीन, क्वीन बोल दो क्या नाम था इसका यार, मेरे जहन में भी कभी कभार हो जाता है सॉरी। बाकी है कि बहुत भरपूर होती है, बहुत अल्लाह के फजल से इसकी जो ये चीज माशाल्लाह अच्छी ही थी, ऑलरेडी अच्छी थी, लेकिन और माशाल्लाह बेहतरी की तरफ आ रही है। क्या अपना मैं इसका नाम खुद ही बताऊंगा, भूलूंगा नहीं क्या यार होता है कभी कभार बिल्कुल जहन से निकल जाता है, हूर परी ठीक है ना। अच्छा भाई वो बच्ची जरा बाहर निकाली जाए, उसको जरा दिखाना है आज, और 2.5 महीने उसके कंप्लीट हो गए, तो तला की तरफ से एक आई थी परमिशन कि भाई आप जो है ना उसको अपनी वीडियोस में शो कर सकते हैं।
यार वो जाने मन को निकल आ, निकाल के लेकर आओ बच्ची को। और यहाँ पर जो है लाइट्स के हवाले से फ्रेम रेडी हो गया है। लारिब ने जो वाटरप्रूफ, वाटरप्रूफ नहीं हो रहा क्यों? बुलेट ढक्के लगाओ, बाल्टी लगाओ, वो लगाओ। तो ये जो सिलिकॉन की तुमने लगाई थी कोटिंग, ये भाई लारिब ने घर में सिलिकॉन लगाया था क्या? हाँ हाँ, जाने मन वो है, ये नहीं है, वही है, उसी का नाम रखा था मैंने। सभी ने करा, ये चाह रहे हैं कि वाटर प्रूफ हो जाए, क्योंकि इसके चार का फ्रेम लगाया हुआ था ना, जो यहाँ पर डंडा लगाया हुआ था उसमें से दो खराब हो गई थी वाली। तो उसको वापस से नहीं लगा रहे हैं और दो दूसरी जगह लगा रहे हैं। की बच्ची बिकी कि नहीं है? जैकपॉट की बच्ची बिकी, जैकपॉट की अभी नहीं, नहीं अभी तो उसकी ऑफर तो लग रही है, लेकिन ये है कि भाई देखते हैं किसके नसीब में होगी। और ये बच्ची मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, आज सही तरीके से दिख तो ये गई थी, काफी मरतबा दिख गई थी वीडियोस में थोड़ा थोड़ा, लेकिन अब आपको दिखा दे, 2.5 महीने इसकी एज है भाई। और ये जो ब्राह्मण कैटेगरी की जैकपॉट एक कैटेगरी है, उसमें मतलब बछड़े का नाम है, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये वो बस बस सही है छोड़ दे, माशाल्लाह माशाल्लाह। 2.5 महीने की बच्ची के आप इसके हाथ पैर देखें माशाल्लाह। और उसको भी छोड़ो, उसको भी दिखा देते ना वापस से, वो तो दिखा चुका हूँ मैं। वो तकरीबन अभी है आई गेस 3.5 महीने या 4 महीने की, 3.5 महीने की है। रमजान में उसकी पैदाइश हुई थी जो बच्ची, उसका भी इंशाल्लाह नाम रखना है। और इसका नाम है भाई जाने मन। तो जाने मन आप लोगों को कैसी लगी? उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जो जैकपॉट काफी लोग तो याद होगा, ये हमारे फार्म पे ही इंसेमिनेट हुई थी रानी, और यहाँ पर ही इसने माशाल्लाह ब्रीड की है, और ये बच्चा माशाल्लाह आया रिजल्ट। तो कैसी लग रही है भाई? और ये आ गई हमारी भाई दूसरी बच्ची, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये माँ की फीड पर है, और ये हम लोग इसको जो है ना फीड अपना जो करते हैं, ये सिर्फ माँ की फीड पे आप समझ लें 20-25 दिन या हार्डली एक महीना उनके पास थी। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये आ रही भाई दोनों बहनें, तो इनमें एज का वैसे 2 महीने, 1.5 से 2 महीने का ही फर्क है, क्या बात है, लेकिन इसकी क्लास अलग है भाई। जो बात है इसकी जो चौड़ाई वगैरह है माशाल्लाह, अल्लाह नजर वैसे बचाए, बहुत खूबसूरत माशाल्लाह चीज है। इसके हवाले से काफी अच्छी वो लग रही है ऑफर्स, अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखें तला भाई का जब देश का दिल उनका करेगा करने का मामला, तो जो है ना वो इनका कर देंगे। टटा उठा यहाँ पे आग हल्की सी लगी, ये सीन है माशाल्लाह। और हमारा इस बच्ची का कोई इरादा नहीं है, जो कि ये हमारे जो आपको बताया हुआ है कि इसका हमारा फिलहाल कोई इरादा नहीं है फिलहाल के हम इसको सेल पे करें। इंशाल्लाह देखेंगे क्या इनका नसीब बनता है, किसके नसीब में होती है, क्या होता है। और माशाल्लाह बहुत अच्छी माशाल्लाह चीज़ है। नस्ल जो बात है भाई, नस्ल नस्ल होती है, आप इसकी नस्ल का इसके वीडियोज़ में अंदाजा हो रहा होगा कैसी चीज़ है माशाल्लाह। तो पानी पी गई, खरगोशों का पानी। तो ये सीन है बॉस माशाल्लाह, तफसीलन दिखा दे, यादगार के तौर पे भी एक वीडियो रह जाएगी, क्योंकि अगर हमारे पास ही पलती रहती है, क्योंकि पीछे वाली तो हमारे पास ही पलेगी इंशाल्लाह। इसके हवाले से भी देखें क्या होता है। और अरे क्या कर रही हो, इनका काम मेस करना है। तो ये चीज माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह जरूर बोलिएगा, क्योंकि भाई अच्छा, हाँ भाई जरूर, क्यों क्यों बोले भाई माशाल्लाह बोलने का आप लोग को बोलते हैं ना, वो इस वजह से देखें। वो भी मैं कहूँगा, हो सकता है बहुत से लोगों ने बोला होगा, याद है वो कबूतर अशरफ भाई, अशरफ से हम इजहार दुख करेंगे, क्योंकि अशरफ का मैंने कबूतर ये जो बचपन से पाल के बिल्कुल दाना एक एक दाना खिला खिला के बड़ा किया था, और जिस दिन मैंने वीडियो में फर्स्ट टाइम लिया है उसी रात या उसके अगली रात, उसी रात में ये कह रहा है कि बिल्ली लेके चली गई। अबे यार माशाल्लाह, वो हाथ पे बैठ रहा था और उड़ उड़ के आ रहा था, माशाल्लाह माशाल्लाह, ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, क्या बात है। अब वो आएगी, ओए माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई ये फिलहाल इधर के सराउंड में खुली रहती है, उसको अब हमने बांधना शुरू कर दिया है, उसको भी कुछ टाइम में इंशाल्लाह हम बांधना शुरू कर देंगे। तो ये सीन है, और जाओ वहां पर जाओ, वो तंग ना करे किसी को।
और बाकी ये कि भाई शौक जानवर देखे अल्लाह की करम से सारे सेट हैं, उस तरफ फार्म में भी माशाल्लाह से सारे सेट हैं अल्लाह की करम से। और बाकी फार्म की आप लोग अपडेट बोल रहे हैं भाई कि वो वाले नए वाले फार्म की जो है वो जाके अपडेट दिखाऊं, तो हमारे पास देखा जाए अभी थोड़ा टाइम तो है कि हम उधर जा सकते हैं, तो ऐसा करते हैं अगर मौका लगता है अभी तो इंशाल्लाह आपको वहाँ जाके अपडेट देते हैं। वहाँ का बारिशों की वजह से काम स्टॉप हो गया था, बिल्कुल स्टॉप हो गया था, ये नहीं कहूँगा कि स्लो हो गया था, बिल्कुल स्टॉप हो गया था। ओ सॉरी, मैंने कुछ बछड़े छुपाने हैं, कॉफ़ी भी छुपाना है ना। ओ सॉरी भाई, कॉफ़ी मैंने अभी थोड़ा सा झलक दिखा दिया लेकिन अभी तो खुश शुरू ही हुआ है, मैं क्या करें, मिस्टेक हो गई गलती है। बहरहाल भाई दबंग आ गया भाई, बादामी आ गया माशाल्लाह, हमारे जो है वो क्या कहते हैं ये देखें माशाल्लाह लेंथ माला जट की नजर बस से बचाए, बाकी माशाल्लाह पांडा पांडे पांडा पांडा सिंपल पांडा है ये, ठीक है ना। बाकी भी लड्डू जुगनू अल्लाह के फजल से लम्बला सारे ही सेट है। और मैंने सर भाई को बोल रहा था कि यार जगह में जो है वो लग ही नहीं रहा कि दो जानवर अलग है, बड़े कैटेगरी में से गए, एक वो क्या कहते हैं जोरावर गया है, एक इसका जोड़ीदार चला गया कमांडो, और वहाँ से वाइट लाइन एक गया है, फिर तीन मुजम्मिल फार्म का लेके गया है, तो हीरा नूर और जो है वो कैरेमल। तो लेकिन ये है कि माशाल्लाह फिर भी भरा हुआ ही लग रहा है अल्लाह के फजल से। बाकी शहनशाह और हमारा लाल बादशाह माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्ला, देखते हैं क्या मामला करते हैं आगे। मैं सोच रहा हूँ समीद भाई आज वहाँ जाके उस फार्म की अपडेट देख लें, मजीद टाइम है। और आज आप क्या शुगल कर रहे हैं अपने चैनल पे, अभी तक मैंने देखा आप जब से आए मैं देख रहे हैं माल को, कुछ वीडियो वगैरह कुछ बनाए? मैंने तो दिखा दिया, हाँ वो इजाज़त मिली थी तो मैंने दिखा दिया, अब ये है कि इंशाल्लाह देखते हैं क्या करते हैं समीद भी, वो भी जाके देख लिएगा भले सैम एंटरटेनमेंट पे। जानवरों को मैं दिखा देता हूँ ताकि ऑनर्स तसल्ली से देख लें भाई, फरहान भाई के दोनों क्या कहते हैं बिल्ला, ठीक है ना बिल्ला, ये आ गया बॉबी, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होकर खड़ा हुआ है, ऑजी बैठा हुआ है, अभी अगर बैठा है तो बैठे ही रहने देते हैं, हो सकता है अभी बैठा हो। मैं देख चुका हूँ ऐसे सेटल लाई गरम से, ब्लैक पैंथर माशाल्लाह सही चल रहा है लाई गरम से, वो राख ये भी सही है माशाल्लाह, शाहीन अल्लाह की गरम से सेट चल रहा है माशाल्लाह। और एक वीडियो पेंडिंग पे है कि हमारे अपने जो फार्म के या हमारे अपने जाति जो जानवर है वो एक ही बात है, फार्म के और जाति एक ही बात है, तो वो एक साथ दिखाने। अरे बदतमीज मारा राजा को है, महाराजा जो है ना वो हिट कर रहा है, कंधा बच्चा ऐसे प्यार करते हैं जैसे ये कर रहा है ना, ये देख ऐसे प्यार करते हैं ये ना, ये अभी तक जो है ना प्यार वाले उसमें मामले में होता है, जानवरों की फितरत में ही होता है ना, मैंने ये चीज़ नोट की है कि भाई कुछ होते हैं वो जैसे शुरू से होते हैं ना वैसे ही एंड तक भी रहते हैं। अब इसमें शुरू से ऐसा ही था कि ये डरता रहता है, ये देख रहे इसको अलग है, अपनी जगह खरखरा कपड़ा वगैरह होता है उससे भी फर्क आता है, जानवर सीधे होते हैं लेकिन जो है वो कुछ होते हैं जानवर। बाकी माशाल्लाह ला कुव्वत इल्ला बिल्ला, सारे ही अल्लाह की करम से जानवर सेट चल रहे हैं। इसने हाइट माशाल्लाह देख रहे कितनी कर ली है, पीछे राजा बिल्कुल छुप गया है, यानी सलामी तक भी जो है उसकी इतनी हल्की सी चेहरा ऊपर किया तो दिख रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह, इसने ही बहुत ज़बरदस्त कद काट करा है अल्लाह की करम से। और ये भी माशाल्लाह सही चल रहा है, वापस अपना जेट ब्लैक कलर कर रहा है, वरना इसके ग्रेइश बाल आ गए थे लेकिन सेट हो गए। और ये आ गया स्नो माशाल्लाह, और ये ढोलू माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बच्चा है ये भी। चले यहाँ पे जरा हाइड हुए हुए सारे, उसके आगे ही चलते हैं। चले भाई ये आ गया लड्डू, क्या बच्चे ने चेंज किया अपने आप को, इतना कद निकाला है अल्लाह नजरे बस सचार, ये आ रहा चुकू क्या हो गया बेटा, ये चीज देख रहे जबरदस्त मौला जट, मैंने आपको दिखा दिया तो वहां से भी ये बोल रहा प्यार करो, जहां प्यार करना खड़ा करो वहीं खड़ा हो जाएगा, फिर हिलता ही नहीं है माशाल्लाह माशाल्लाह। साथ कैन भाई के बछड़ा माशाल्लाह पांडा जबरदस्त, मलंगी
और ये आ गया हमारा K2। हाँ चलिए, तो और वाइड एंगल करना पड़ेगा सही से इसको वीडियो में लेने के लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, उफ देख रहे हैं। हाँ क्या हुआ क्या हुआ, कैसे हो? चले भाई, ये हमारा इसने रास्ता ब्लॉक कर दिया कि प्यार करो। ये है लाल बादशाह, शहनशाह, ये भी सातकर्ण भाई के बछड़ो। भाई सातकर्ण भाई के बछड़ों से याद आया, दो बछड़े सातकर्ण भाई के और आ गए। एक तो तीसरा बंटी है, वो भी दिखाता हूँ, और दो और भी न्यू एंट्रीज हुई हैं सातकर्ण भाई की, वो भी तो वो भी अब चल के देखते हैं। बाकी तो मैंने आप लोगों को तफसीलन यहाँ के घुमा दिया। अच्छा दोस्तों भाई, ये आ गए भाई बंटी, ये माशाल्लाह, ये तो मेरे ख्याल है इस साल ही उनकी कुर्बानी का होगा इंशाल्लाह, देखते हैं क्या वो करते हैं। नियत वैसे इस साल की भी था, लेकिन वो एक हो गया था उनका, फान भाई की फार्म पे पला था माशाल्लाह, वो भी बड़ा अच्छा पला था। और ये हमारा शेर इस जगह पे भाई, तीन जानवरों की कमी, एक कैनिमल ठीक है, और नूर दो इधर थे ठीक है। ये आ गया फरहान भाई का माशाल्लाह शेडो, और ये हमारा शान करीम माशाल्लाह, बेहतरी आ रही है अब मुझे फील, बहुत अच्छा फील आ रहा है इसमें। ओए ओए क्या बात है भाई, क्या बात है यार माशाल्लाह, मुफासा छोटा सा बच्चा क्या माशाल्लाह ग्रो कर गया अल्लाह के करम से। ये आ गया भाई हमारा भोला राजू अंग्रेज, और भाई इसका नाम जो है वो अब चेंज कर दिया, इसका नाम रखा हुआ है उसके उनके ऑनर ने रखा था, वो समीर ने मुझे बताया था, मैं इंशाल्लाह भी याद आता है तो बताता हूँ। और इसका नाम अब हम जो है ना हैकल देखेंगे कि हैकल ही रहने दें या क्या रखें, देखते हैं। इसमें रस्सी ऑलमोस्ट खा ली है, बाकी माशाल्लाह भाई हमारा ये सिम्बा इधर ही खड़ा है, आपको बैग जो दिख रही है सिम्बा की दिख रही है, सिम्बा यहीं पर है, कहीं नहीं गया है, मगर उसको हाइड करने का ऑनर ने बोल दिया तो इसलिए हाइड हुआ हुआ है। ये मैं जो दिखा रहा हूँ अभी, ये शेर दिल है, और ये आ गए वो दो बछड़े जो नए आए हैं सातकर्ण भाई के, और इनका नाम हमटी डमटी करा था, अब इनका नाम भी हैकल जैकल भी कर सकते हैं। उड़े बाप रे बाप, ये जो है ना बच्चा, इसकी आदत है लात वात जरा उठाने की ना, तो बैग भी इसी वजह से आएगी, अभी तक साफ नहीं सही से करी हुई है, पता नहीं मैं पूछूंगा। इसका जो है ना लात वात अभी भी उठा रहा है, तो ये मुल्तान मंडी से उन्होंने परचेज करके, खुद परचेज करके लेकर आए, अच्छे कद काटे दोनों भी, निकालेंगे इंशाल्लाह दांत। तो देखें आप लोग बताइएगा हमटी डमटी का नाम रखा जाए या हैकल जैकल, तो ये है सीन, क्योंकि जोड़ी में ये नाम सही लगेंगे। बाकी ये आ गया भाई कैप्टन माशाल्लाह, आज काफी बेहतरीन में दिख रहा है लगेगा हमसे, अब ट्रैक पर आ रहा है। और ये माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, ये तो भाई बहुत बहुत फ्यूचर चैंप होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो इसकी ग्रोथ हो रही है, जो जिस तरीके से आप सलामी इसे निकालना शुरू कर दी है, उफ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आ गया हमारा मक्खन, अब मक्खन के अंदर जो है ना मक्खन पना आ रहा है भाई, जितना ये अब जितने डेज गुजरते जा रहे हैं उतनी सफाई में आता जा रहा है, उतना साफ सुथरा होता जा रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। चले भाई आपको सारे जानवर अब वैसे ही दिखा देते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि वीडियो आई गेस काफ़ी लंबी हो गई है, और इसके हवाले से मसों पे इंशाल्लाह एक वर्किंग की है, वो मैं आगे चल के आपको बताऊँगा। अभी काफ़ी हद तक इसके मसे झड़ चुके हैं, इंशाल्लाह पूरे जिस्म से जब झड़ जाएंगे तो आपको वो भी दिखाएंगे, बिफोर आफ्टर हो सका तो वो भी दिखाएंगे। इसका जो एक्सट्रीम चेंज आ रहा है, क्या कह रहे हैं, मिठाई भी खाएंगे, मिठाई भी खाएंगे, अच्छा क्योंकि मस्से वाले से अब बगैर मस्से वाला हो रहा है। नाम भी रखना। नहीं इसका नाम क्राउन प्रिंस कर रहा था, आपको नहीं समझ आया तो बताए ना, आप बता दें, चले पुराना हो गया, हम किसी और का रख लेंगे, मैं तो सिमिलर था ऑलमोस्ट ना, इसलिए मैंने रखा था याद में, तो आप बताए भाई क्या रखें फिर, चले देखेंगे। पब्लिक पे छोड़ रहे हैं क्या, कमेंट तो आप पढ़ते ही हैं, तो आप वो देख लें, भाई आप लोग बताएं, अहमद भाई को सजेस्ट करें कि इसका जो है वो नाम क्या रखें। अच्छा अच्छा अच्छा, चले अहमद भाई इंशाल्लाह मुलाकात होती है 14 अगस्त को आएंगे ना, 14 अगस्त को देखें, मेरा एक अगर अगर मैं बताऊंगा मेरा एक सिलसिला हो सकता है कहीं जाने का हो सकता है, पास बदल जाएगा। ठीक है इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। तो चौकबार मैं दिखा दूं भाई, माशाल्लाह सही है दोस्तों, मुन्ना ये आ गया भाई, ये आ गया भाई मरजान,
ये कैस्पर स्कार अभी तक मौजूद है। मैं फिर भी फसल भाई से बोलता हूँ भाई क्या हुआ का? इस बच्चे की याकूत की जो लेंथ है ना यार, अल्लाह अकबर माशाल्लाह बेहतरीन, अल्लाह नजर वसा। चले दोस्तों जरा वहाँ पे फार्म पे वहाँ देखते हैं, वो मतलब उस तरफ देखते हैं कि वो लाइट्स का सिलसिला कहाँ तक पहुँचा। अच्छा दोस्तों भाई हमारा जो है ना वो लाइट्स का प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो गया। इस दफा चार के साथ दो साइडों में भी लगाइए, क्योंकि ये जब यहाँ खड़ा होगा तो चार तो इस तरफ लगाएंगे, एक हमारा जाएगा उस तरफ वाले सेक्शन पे और एक उधर। चले भाई वाटरप्रूफ बना दिया नसर भाई ने अपने जुगाड़ से, वाटरप्रूफ भाई बारिश के इस पे लगेंगे नहीं, सेटिंग ऐसी कर दी है भाई, क्या बात है भाई। चलो यार टांगो भाई, चले भाई इसको बस लगाएंगे अपनी जगह पे। और समीद आएगा इस बच्चों की आज क्लिप्स कर रहा है, वो पता चल जाएगा आपको चैनल पे। चलो ओहो फीड कर रहा है भाई मोंडू को, मोंडू को क्या कर रहा है फीड, ये बिस्किट भूल गया मोंडू तुम्हें, भूल गया मोंडू तुम्हें बेटा। ये देखो मैं बुलाऊंगा ना आएगा मोंडू मोंडू, वो देखो उसने देख लिया मोंडू, देख रहा अली को देख रहा है। अरे आ आ आ आ बिस्किट का लालच आ गया भाई आ गया। चलो खिला भी दो, खिला दिया भाई खिला दिया। चले भाई हमारा जो है ना वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। और जो है ना यहाँ पर क्या हो गया, हाथ लगाओ भाई उसके साथ गिर ना जाए। तो देखते हैं ये प्रोजेक्ट लारिन ने कंप्लीट किया है। और हमारा ये है कि फार्म पे एक ये लगाने से क्या होगा, इस फ्रंट पे भी जानी, इस साइड की जानी, इस तरफ जो हम डिस्प्ले करते हैं जानवरों को, इस तरफ भी ये लाइट करेगा और ये देख सकते हैं जैसे। और एक ये नीचे हो गई लाइट, बहुत नीचे हो गई लारिफ, ऊपर चढ़ के कैसे करेगा, ऊपर ऊपर कैसे चढ़ेंगे कैसे बोला इसने। ये वाली लाइट तो सही है, इस तरफ सही पड़ रही, लेकिन वो बिल्कुल शेड पे पड़ रही है, रुख ऊपर करना पड़ेगा। सीढ़ी नहीं होगा, सीढ़ी से नहीं होगा, नीचे ले आओ नसर भाई, नीचे ले आओ। वो जमीन पे पड़ रही है, जमीन पे पड़ रही है, छपरे पे और जमीन पे पड़ रही है, शेड पे नहीं जा रही। अरे ऊपर करना है, दिख रहा है मामा फिल्म। और आराम आराम से बस ऊपर कर दे, हल्की से होगी या फिक्स है, नहीं ना ये नीचे ये टूट ना जाए। हो गई ये नीचे हो गई, लेकिन दोनों है हो गई लारे, हो गई सही है, इनफ है बहुत है। तुमने जो बनाया है इस पर कबूतर बैठेगा आके, हाँ ये भी अच्छा हो जाएगा। चलो सही, अब सही लग रहा है, पानी उल्टा और जमा। मैंने वैसे एक बात कही इन लोगों को, ये लगा रहे ना फ्रेम, इसकी वजह से हवा अब और ज्यादा इसको प्रेशर करेगी, बांस के टूटने के भी चांस है। तो ये सीन है, अब देखते हैं, ये तो खैर आगे चल के पता चल जाएगा। और जरा इसको ये ऑन करें, कितना ऊपर कर रहा है, और अबे कहाँ ले गया, क्या कर रहा है। अच्छा यहाँ पे फिक्स कर रहे भाई इसको, रस्सियों के बीच में जो है ना, हाँ सही है, हाइट तो इतनी भी ना फेस, माशाल्लाह। तो ये सीन है भाई, चलते हैं यार, ये तो लग गई है रात में, अब दिखेगी इसकी रोशनी। अब हम जरा थोड़ी सी आपको अपडेट वहाँ वाले फार्म के ऊपर चल के दे देते हैं। अच्छा दोस्तों भाई जगह पे आ गए, अपडेट आप लोग काफ़ी मांग रहे थे। बाउंड्री वॉल ये वाली तो काफ़ी हद तक आई गेस, जब लास्ट टाइम दिखाया था तो खड़ी हुई थी, और इसके एक हद तक खड़ी हुई थी। अच्छा यहाँ से अभी फिलहाल ये खुला हुआ ही है, लेकिन ये दीवार लगेगी, क्योंकि हमारा गेट का इरादा इस तरफ वाली वॉल पे हो रहा है। हाफ अब ये खड़ी हो गई, लेकिन ये तोड़वा के इधर बाउंड्री गेट लगेगा इंशाल्लाह। बाकी ये अभी देख रहे हैं हम, वो हुई है ना क्या कहते हैं बारिश वगैरह, तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ज़ाहिर है ये तो खैर सफाई होगी। बाउंड्री वॉल जो है वो कहाँ तक हो गई है जरा हम दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि जो हाफ यहाँ तक हुआ हुआ था पहले जो हुई हुई थी, यहाँ तक कहीं हुई हुई थी, उसके अलावा मैं अब ये कंप्लीट, बल्कि सॉरी इससे पहले तक कहीं कहीं रुकी हुई थी, फिर ये यहाँ पे कंप्लीट हुई है अभी, और इसके अलावा जो हुई है अपडेट वो ये वाली जगह की हुई है, यहाँ से लेके वहाँ तक की बाउंड्री वॉल अभी हुई है। और लास्ट वो प्लेयर आप देख सकते हैं वहाँ पर है,
और इसकी जो चौड़ाई है ना वो काफी है, पीछे लंबान भी अपनी जगह है लेकिन जो चौड़ाई पीछे की साइड है ना वो ज्यादा है। शुरू का जो है वो नैरो है थोड़ा, और करीब मतलब स्टार्टिंग वहां से करीब से, लेकिन एंडिंग जो है ना वो काफी वाइड होकर हो रही है। तो हमारा इंशाल्लाह इरादा ये हो रहा है कि इस तरफ हमारे जो बछड़ों का शेड है ना, जो बछड़े ज्यादा है तो बछड़ों का शेड जो है ना हम लोगों ने इरादा किया इस तरफ रखेंगे, तीन शेड्स हैं और बछड़ियों का शेड। अच्छा ये जो पिलर खड़े हुए हैं ये थोड़ा आगे आके कहीं खड़े होंगे क्योंकि दीवार का इरादा किया है हाफ खड़ी करने का ना, बछड़ों का सेक्शन, बकरों का सेक्शन अलग, बछड़ियों का सॉरी, और बछड़ों का इस तरफ कहीं करने का इरादा है। इस तरफ की जो साइड मैंने पहले ही बताया था अभी तक वही है थिंकिंग, चार वंडा बनाने की जगह, वंडा रखने की जगह, और भूसे की कॉर्नर पे एक जगह बना रहे, क्वारंटाइन की एक अलग से सेपरेट जगह बन रही है वो भी एक बिल्कुल अलग होगी इंशाल्लाह। और यहाँ से एक गेट और होगा जो कि जानवरों के एंट्रेंस का, चारे की आने का धक्का देखें इस तरफ ही यहाँ का ही बनेगा, बाकी इस तरफ ही आगे की तरफ हमारे अपना एक सेटिंग रूम कह लें आप या एक ऐसी बैठक के लिए, और देखेंगे और मजीद कितना क्या मामला कर सकेंगे। बारिशों में बिल्कुल काम स्टॉप था, बिल्कुल स्टॉप था, ये नहीं कहूँगा कि स्लो था, स्टॉप था। और उसके बाद से दो दिन हुए अभी, ये देख सकते हैं पीछे वाली दीवार आज ही तीन, एक दो तीन चार, चार दीवारें जो है ना वो हाफ से थोड़ी ऊपर उठी हैं, वो आज ही उठी हैं। अब देखें आज कल छुट्टी होती है जुम्मे के दिन आएगा यहाँ पर, तो फिर हफ्ते इतवार से वापस से काम स्टार्ट होगा। मैंने अब कहा है कि यार जल्द से जल्द करें, जो काम जिनको दिया हुआ उनसे कहा हुआ है यार अब जल्द से जल्द करें क्योंकि हम भी लेट ज़्यादा हो ही जा रहे हैं। तो दीवारें देखिए इस साइड की अच्छी खासी उठ गई है, इधर से थोड़ी समझ लें आप तकरीबन कोई 100 फीट लंबी और पीछे तक जानी है, और यहाँ से तकरीबन ये 130 फीट तक पीछे तक गई भी है दीवार, तो ये कंप्लीट हो जाएगी इंशाल्लाह। उम्मीद है आप लोग दुआ करें, और एस्टीमेट वगैरह ये सारी चीज़ें जो लोग पहले भी पूछे तो हो सकता है इस वीडियो के बाद भी पूछेंगे, तो उसके हवाले से कुछ मेरे बड़े जो लोग हैं जो 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 मुझे मशवरा देते रहते हैं उनसे एक बात ये वो कह रहे हैं इस बात को आप ना बताएं तो अच्छा है, तो हो सकता है कि शायद मैं ये जो खर्चा हो रहा है इसके हवाले से ना बताऊं वो नज़रों में आने वाली बात के हवाले से, क्योंकि फिर मामला आपके सामने ही, आप लोग भी काफ़ी चीज़ें समझते हैं। बहरहाल आज की वीडियो यहाँ पे करते हैं एंड, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी इंशाल्लाह। देखेंगे हफ्ते में एक दफ़ा का इरादा कर रहा हूँ, हफ्ते में एक दफ़ा, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है तो कोशिश है कि हफ्ते में एक दफ़ा लेकिन आपको यहाँ आके, मैं वैसे तो हर दूसरे दिन, कल भी जैसे हम लोग आए हुए थे कल परसों सॉरी, तो हर दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगाने का इरादा यहाँ पर होता ही है, हमारा करीब ही है, लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता जाएगा मुझे पता है मैं डेली बेस पर मेरा कीड़ा काटेगा, जाके जो है ना वो जगह देख कर आऊँ कैसे हो रही है। तो सफाई का भी काम इंशाल्लाह वो सब कुछ वो अजीज़ पे ही है कि वो किस तरीके से करता है, तो देखें क्या होता है मामला, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह महीने डेढ़ महीने में इंशाल्लाह कुछ शक्ल निकल कर आ जाएगी फार्म की, तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह, बहुत मज़ा आएगा। और आप लोगों के साथ यहाँ पे भी इंशाल्लाह हमने जिस तरीके से पिछले 5 साल इंशाल्लाह करे हैं इंशाल्लाह आगे भी जो है ना अच्छे रहेंगे आप लोगों के साथ। ठीक है जी, दुआ में याद रखें हम सबको, हमारी पूरी टीम को। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।